हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे काढ़े के बारे में जिसे सुनने के बाद आप उसका इस्तेमाल आज से ही शुरू कर देंगे। उसके क्या फ़ायदे हैं, उसे कैसे बनाना है, कितना टाइम लंबा आपने इसका सेवन करना है। सबसे पहले बता दूँ कि एसिडिटी दो तरह की होती है। एक तो खून की एसिडिटी होती है जो हमारे ब्लड में घुली होती है, और दूसरी एसिडिटी सीने की या पेट की होती है। जो पेट की एसिडिटी होती है वो अफारा देती है, धीरे धीरे उससे लीवर ख़राब हो जाता है। लेकिन जो खून की एसिडिटी होती है वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, वो हमारे लिए हार्ट अटैक को पैदा कर देती है। तो जो तरीका आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खून की एसिडिटी को दूर करता है, पेट की एसिडिटी को दूर करता है। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। वात के रोग जितने भी होते हैं, यानी वात के रोग के कारण अगर आपको घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, आपके कंधों में दर्द हो रहा है, इसके अलावा वात ही नहीं, जिनको कफ की समस्या है, यानी खांसी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है, आपको एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, आपका गला बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी वात, पित्त और कफ, जोड़ों में दर्द, एसिडिटी और खांसी। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। जिनको भी डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए ये काढ़े का यूज़ करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनका खून साफ नहीं है, यानी खून प्योर नहीं है, खून में से कचरा बाहर निकालने के लिए इस काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर करने के लिए इस काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी की समस्या है, उनके लिए भी इस काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द से बचे रहने के लिए, हार्ट अटैक जैसी समस्या से बचे रहने के लिए, बॉडी में ब्लॉकेज यानी नसों में होने वाली रुकावट से बचे रहने के लिए इस काढ़े का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब जानते हैं इस काढ़े को आपने कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़ है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को क्षारीय प्रवृत्ति का माना जाता है, यानी ये अम्लीय प्रवृत्ति की नहीं है, यानी ये एसिडिक नहीं है, एल्कलाइन है, यानी ये क्षारीय है। और हर वो क्षारीय चीज़ आपने इनटेक करनी है जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको वात बॉडी में वाई बहुत ज़्यादा बनती है, जिनको भी एसिडिटी की समस्या है, घुटनों में जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उन लोगों ने क्षारीय चीज़ों का सेवन करना है। तो अर्जुन की छाल की जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो क्षारीय है। तो आपने अर्जुन की छाल का सिर्फ एक चम्मच लेना है। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है गुड़। अगर मैं गुड़ के फ़ायदों की बात करूं तो अगर आप एक चम्मच गुड़ खाते हैं खाना खाने के बाद, तो जिनको भी खाना अच्छे से हजम नहीं होता, सिर्फ एक चम्मच गुड़ खाने से सारे का सारा खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाता है। इसी के अगेंस्ट अगर आप एक चम्मच चीनी का सेवन खाना खाने के बाद करते हैं तो खाना कभी नहीं पचेगा, पचने की बजाय सड़ जाएगा। इसीलिए गुड़ के गुण इतने ज़्यादा हैं कि वो हमारे द्वारा खाए गए सारे खाने को, अगर आपने किसी दिन ओवर ईटिंग कर ली है, अपने खाने से, अपनी खुराक से बहुत ज़्यादा खा लिया है, तो आप एक चम्मच गुड़ का सेवन करके देखिए, सारा खाना 3 से 3.5 घंटे के अंदर बहुत अच्छे से पच जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं वो है पानी। आपने क्या करना है, 200 ml के करीब पानी लेना है। एक चम्मच आपने अर्जुन की छाल लेनी है, उसे पानी में बॉईल कर लीजिए। जब पानी 150 ml रह जाए तो इसके अंदर आपने एक चम्मच गुड़ मिक्स कर देना है। तो इस काढ़े को आपने चाय की तरह पीना है। किस टाइम, सुबह खाली पेट पीजिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो लोग सुबह खाली पेट चाय का सेवन करते हैं वो इस काढ़े के अंदर दूध को डालकर, यानी आपने ये काढ़ा तो तैयार कर लिया, पानी के अंदर अर्जुन की छाल को डाला, उबाला यानी अच्छे से पका लिया, उसके अंदर आपने गुड़ डाल दिया, उसके बाद आपने इसके अंदर आधा कप दूध मिक्स कर देना है। इस तरीके से आप इसका सेवन कीजिए, जो लोग चाय पीते हैं। तो इस तरीके से अर्जुन के काढ़े का सेवन किया जाए तो जिनको भी जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, खून की एसिडिटी है, या फिर आपको पेट की एसिडिटी है, इसके अलावा अगर आपको कफ यानी खांसी बहुत ज़्यादा बनती है, तो इसके लिए आपको ये काढ़े का इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके अलावा जिनको डायबिटीज़ की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनके लिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल दूध डालकर भी कर सकते हैं, पानी के साथ तो इसका इस्तेमाल करना, यानी पानी में तो इसको पकाना ही है।
अगर आपके कोई भी सवाल हैं इस वीडियो से संबंधित तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा मोटिवेशन अप होता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ से संबंधित इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।